हाय गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। सो आज हम लोग एक मॉडल आंसर करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे उसके बॉडी पार्ट को लिखना है और कंक्लूड कैसे करना है, ठीक है ना। एक पेज है, उस पर हमें पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका बॉडी पार्ट को लिखना है और लास्ट में कंक्लूजन देना है दोस्तों, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी कल एक क्वेश्चन दिया था कि सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, उसके बारे में लिखना था। तो काफ़ी आंसर आए इसके जो टेलीग्राम में, और उसको चेक भी किया गया, उसका एक मॉडल आंसर तैयार है। हिंदी और इंग्लिश बच्चों के लिए, दोनों के लिए है। तो आप सुनना और पॉइंट नोट करना और अपने हिसाब से वहाँ पर डाल देना दोस्तों, ठीक है। और जो नए बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए क्या है कि डेली एक क्वेश्चन दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, उसको ज्वाइन करें, वहाँ पर लिखें और अपलोड करें, आपका क्वेश्चन इवेल्युएट कर दिया जाएगा। PH 66B मेन्स के लिए टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखो, अब क्वेश्चन क्या था कि सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, मतलब क्या है सामाजिक और आर्थिक जो चैलेंजेस है कोविड-19 के लिए, जो इम्पैक्ट पड़ा है, जो प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में बताना है, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन में पहले क्या है ना कि अब जो यहाँ पर इंट्रोडक्शन है दे रहे हैं ना, उसको आप नोट डाउन कर लो। इंट्रोडक्शन हमेशा स्टार्ट करने से पहले आप कुछ इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए ना कि अगर इंट्रोडक्शन आपका अच्छा है तो चेक करने वाले को लग जाता है कि पूरे कॉपी बढ़िया लिखा होगा, ठीक है ना। अगर इंट्रोडक्शन गड़बड़ लिख दिए हो तो थोड़ा एक गड़बड़ इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत सारे ने क्या लिखा है कि इंट्रोडक्शन में कि कोविड-19 का वायरस कौन है, कौन से बीमारी होता है, कहाँ कहाँ से होता है, इसमें सर्दी जुकाम हो जाते हैं, ये सब क्वेश्चन का डिमांड नहीं है। ये सब क्वेश्चन में आपको नहीं लिखना होगा दोस्तों, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होगा, पहले ये रट लो आप। कोविड-19 से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें इंट्रोडक्शन आपको यही लिखना है, अमर्त्य सेन का लिखना है। अमर्त्य सेन ने क्या बोला था कि इंडिया इज गोइंग टू फेस लार्जेस्ट इकोनॉमिक चैलेंजेस आफ्टर 1990s ड्यू टू कोविड। मतलब क्या, आपको हिंदी वाले बच्चों सुनो, अमर्त्य सेन ने बोला था कि 1990 में, 1991-92 में एक इकोनॉमिक चैलेंज आया था हमारे, आर्थिक मंदी आई थी, अगर आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़े होंगे तो, ठीक है ना। उसके बाद जो इंडिया में जो आर्थिक मंदी, जो चैलेंजेस आ रहा है ना, वो किसके कारण है, कोविड-19 के कारण है। इसको आप लिख सकते हो वहाँ पर इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करो। सेकेंड आप इसको लिख सकते हो, द पेंडेमिक इज़ फार मोर देन हेल्थ क्राइसिस। जो जो ये महामारी है, कोविड-19 का महामारी है, वो सिर्फ हेल्थ या स्वास्थ्य संबंध नहीं है, मोर देन है। उससे इस महामारी से है ना बहुत सारे जो सेक्टर है ना काफ़ी इम्पेक्टेड हुए हैं, तो ये UNDP का कहना है दोस्तों, ठीक है। और या आप ये डाल सकते हैं ऑक्सफैम रिपोर्ट। ऑक्सफैम रिपोर्ट क्या है कि अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो डालूंगा, कल जो इस पर क्लासेज लगाया गया था उस रिपोर्ट में भी क्या बोला गया है, वो हिंदी माध्यम बच्चों के लिए भी उसमें है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कितने मिलियंस ऑफ जॉब जो है ना, मिलियंस ऑफ जॉब जो है ना सारे खत्म हो गए इसके। तो क्या है कि अगर आप स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन को, इसको डालो, इसको डालो, या तीनों में से कोई एक डाल दो या दो डाल दो, तो इंट्रोडक्शन है ना काफ़ी लाजवाब हो जाएगा, इसमें काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा और काफ़ी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो लास्ट में क्या डालना है ना कि दिस पैंडेमिक इम्पैक्टेड सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री। मतलब क्या है दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछा है, मतलब इस महामारी ने देश की सामाजिक और आर्थिक पहलू को प्रभावित किया। यहाँ तक क्लियर, इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया आपको। अमर्त्य सेन का डाल दो, UNDP का डाल दो, ऑक्सफैम रिपोर्ट का डाल दो, ठीक है। दोनों में से कोई एक भी डाल सकते हो, दो डाल सकते हो बस। और नीचे लिख दो कि दिस पेंडेमिक इम्पैक्टेड सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री। अब देखो, अब हमें कितना लिखना है, 3 से 4 पेज लिखना है, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन आपको एक पेज में नहीं होना चाहिए, इंट्रोडक्शन जो है ना हाफ पेज में होना चाहिए, ठीक है ना। 5 से 6 लाइन में इंट्रोडक्शन आप समाप्त कर दो, ठीक है ना। इंट्रो खत्म हुआ, अब हम आते हैं किसके बारे में पढ़ने, जो क्वेश्चन का जो मेन एस्पेक्ट है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके बारे में करते हैं, ठीक हो। क्वेश्चन का मेन बॉडी जो है ना, हाँ बहुत सारे स्टूडेंट क्या है ना यहाँ पर इंट्रो भी डाल रहे हैं आंसर में। आंसर में इंट्रो लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप जो चेकर है ना समझ जाएगा इंट्रो है। मेन बॉडी तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब मेन बॉडी में जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट डालना है आपको, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं आर्थिक पहलू, इसमें क्या डालोगे, GDP और ग्रोथ रेट, जिसको बोलते हैं विकास दर, पहला एस्पेक्ट ये है। दूसरा का एस्पेक्ट क्या है, सेकेंड वाला है दोस्तों कृषि एग्रीकल्चर, थर्ड है व्यापार ट्रेड, फोर्थ है पर्यटन टूरिज्म, फिफ्थ है बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट, और सिक्स्थ है उद्योग इंडस्ट्रीज, और सातवां है बैंकिंग सेक्टर बैंकिंग, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको डायग्राम है ना वहाँ पर बना देना है, एक चार्ट बना दोगे तो चेक करने वाला समझ जाएगा कि अच्छा, चाहिए 7 पॉइंट को कवर किया। अगर आप चार्ट नहीं बनाओगे, डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे, वहाँ पर चेक करने वाले को है ना बहुत सारे चेक करने होते हैं कॉपी, तो उनके पास टाइम नहीं होता है। वो ऊपर से जो दिखेगा ना उसे वो अंदाजा लगा लेंगे कि आपका आंसर कैसे लिखो। मे बी आप अच्छे आंसर क्यों ना लिखे हो, लेकिन ऊपर से देखने में उसको लगेगा ना कि गंदा, दिखने में सही नहीं लग रहा है, तो उसका एक नेगेटिव इमेज बन जाएगा। ये आपको चार्ट वहाँ बना देना है, ठीक है। अब देखो, अब क्या है इसके बारे में आप
डिटेल में डाल, डिटेल में नहीं मतलब एक एक पॉइंट डालो और उसके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको करो, क्योंकि हमें क्या करना है, सोशियो एस्पेक्ट भी करना है, हमें 4 पेज में ही करना है, 4 पेज से ज़्यादा जाओगे तो टाइम नहीं बचेगा अगले क्वेश्चन को, तो हमको उसी हिसाब से इसको कवर करना है। अब देखो, अब देखते हैं, अब GDP ग्रोथ रेट, विकास दर में हमको क्या लिखना है कि जब लॉकडाउन लगा तो सप्लाई चेन जो होता है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आपूर्ति श्रृंखला, ठीक है ना। अब हिंदी वाले इसको नोट डाउन कर लो, इंग्लिश वाले सारे इसको ऐसे ही बनाना। तो क्या हुआ ना कि जो सप्लाई चेन आपूर्ति श्रृंखला है ना, पूरा डिस्टर्ब हो गया। कैसे डिस्टर्ब हो गया, जब लॉकडाउन लगा तो क्या हुआ, इंडस्ट्री वगैरह सारे बंद हो गए, सब जो काम काज सब खत्म हो गया, तो जिससे जो सप्लाई चेन होता है, आपूर्ति श्रृंखला होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जो सामान को एक दूसरे जगह पर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, सारे खत्म हो गए। तो क्या हुआ ना कि हमारा जो GDP देखा जाए ना, वो नेगेटिव में चला गया। GDP किस में चला गया, नेगेटिव में। अगर आपको ग्रोथ रेट याद नहीं हो ना, तो क्या है ना कि गड़बड़ लिखने से अच्छा है डायरेक्ट लिख, तो नीचे चला गया, नेगेटिव में चला गया, ठीक है ना। हाँ, GDP ग्रोथ रेट क्या है, -23 डिग्री चला गया, -23% विकास दर नीचे तक चला गया, ठीक है ना। ये डाटा आप लिखोगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे दोस्त। फर्स्ट कवर हो गया, फर्स्ट में ज़्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हमको कवर करना है। सेकेंड देखो, एग्रीकल्चर। अब देखो क्या हुआ कि जब लॉकडाउन लगा ना, तो शहर से गाँव की तरफ लोगों को ट्रांस माइग्रेशन जिसको बोलते हैं, पलायन जो होता है ना, शहर से गांव की तरफ पलायन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर था जो इस महामारी में पूरे कंट्री का जान बचाया, ठीक है ना। उसका पॉजिटिव, सबका नेगेटिव जा रहा था, लेकिन एग्रीकल्चर था जो पॉजिटिव ग्रोथ रेट था, उसका विकास दर था वो पॉजिटिव में था, ठीक है ना। एग्रीकल्चर जो है ना, वो सेवर ऑफ द पीपल, ठीक है ना। पीपल जो पुअर पीपल हैं, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, सब कुछ बचाया हुआ एग्रीकल्चर, ठीक है ना। और खासकर जो मनरेगा है, एक आप पढ़ोगे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसमें क्या है ना कि आपको काम करने की गारंटी मिलता है, 100 दिन के लिए आपको काम दिया जाएगा, ठीक है ना, एक साल में, ठीक है दोस्तों। तो क्या है ना कि मनरेगा में गवर्नमेंट ने क्या करा, बहुत पैसा डाला, जिसके कारण क्या हुआ ना कि जो पलायन थे, खासकर जो देखा जा रहा था यूपी बिहार में, उनको जॉब मिला यहाँ पर, ठीक है ना, रोजी रोटी के लिए। एग्रीकल्चर डाल दो, आते हैं थर्ड। थर्ड आपको क्या डालना है, व्यापार डालना है, ट्रेड डालना है, सेम है। लॉकडाउन लगा तो क्या हुआ, फॉर्मल और इनफॉर्मल इंडस्ट्री सारे बंद हो गए। फॉर्मल क्या होते हैं, इनफॉर्मल क्या होते हैं, कल के जो ऑक्सफैम वाला आप देखोगे ना, तो उसमें मैंने डिस्कस किया, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, औपचारिक एंड अनौपचारिक उद्योग, ठीक है ना, ठीक है ना, वहाँ पर देख सकते हैं। तो जो इंडस्ट्री जो थे फॉर्मल और इनफॉर्मल, सारे क्या हो, बंद हो गए। जब इंडस्ट्री बंद हो गया तो इसमें प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है ना। अब बंद हुआ तो क्या हुआ कि दोस्तों, क्या है कि लॉकडाउन लगा, ठीक है ना, इंडस्ट्री बंद हो गया और इनकम सबका बंद हो गया। तो इनकम बंद हो गया तो लोगों का जो डिमांड है ना खपत करने का, वो बंद हो गया। जब खपत ही नहीं करेगा तो जो इंडस्ट्री है वो कहाँ से प्रोड्यूस करेगा। इससे क्या हुआ, व्यापार जो है, ट्रेड है, उसमें भी नुकसान हुआ। खासकर जो देखा जाए तो लॉकडाउन के कारण क्या हुआ कि गाड़ी घोड़ा चलना बंद हो गया। तो जो तेल होता है, कच्चा तेल जो होता है, एनर्जी पर्पस के लिए हम लोग बाहर से खरीदते हैं, ये सब सारे बंद हो गया और उसके दाम में काफ़ी गिरावट आए, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ तक हो गया, अब आते हैं फोर्थ, टूरिज्म, पर्यटन जिसको बोलते हैं। पर्यटन में देखो कि जब लॉकडाउन लगा सब चीज़ बंद हो गया, तो पर्यटन में भी गिरावट आया, ठीक है ना। तो ये आपको डाटा को लर्न करके लिखना है। वर्ल्ड ट्रेड एंड टूरिज्म एक रिपोर्ट है, ठीक है ना, वो रिपोर्ट आता है जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार और पर्यटन रिपोर्ट, ठीक है ना। उसके अनुसार लॉकडाउन के बाद 174 मिलियन जॉब खत्म हो गया, ठीक है ना। 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख, 174 मिलियन जॉब सोच लो, वो क्या हुआ, खत्म हो गए, ठीक है ना। ये टूरिज्म पर इफेक्ट रहा, ठीक है ना। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बेरोजगारी। तो कल का क्लास देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं है, 10-15 मिनट का है, उसमें ऑक्सफैम का रिपोर्ट है एक, ठीक है ना। ऑक्सफैम का दोस्तों क्या है, रिपोर्ट है। उसमें क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है कि कैसे मिलियंस ऑफ जॉब जो है ना वो क्या है, वो खत्म हो गया। तो आप इम्प्लॉयमेंट हो गया और इंडस्ट्री, दोनों को आप कंबाइन करके लिख सकते हो, क्योंकि लॉकडाउन के कारण इंडस्ट्री का प्रोडक्शन, इंडस्ट्री का चलना बंद हो गया। तो जब इंडस्ट्री रन करेगा नहीं, तो वहाँ के बंदे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, तो ये दोनों को आप कंबाइंड करके लिखो, ठीक है। अब क्या करना है कि इसमें डाटा लिखना होगा, तो एक्सपेम रिपोर्ट है जो ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, उसको आप देख के वहाँ से डाटा आप लेके इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं आठवां, बैंकिंग सेक्टर। देखो क्या है, जब लॉकडाउन लगा तो काफ़ी क्षेत्र प्रभावित हुए, तो 2 महीने उसके बाद थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिलना स्टार्ट हो गया सबको, ठीक है। तो जब रिलैक्सेशन मिलना स्टार्ट हो गया ना, तो पैसे किसी के पास तो थे नहीं, सारे खत्म हो गए थे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला ना बैंकिंग को, कि आप ऐसा करो, इन लोगों को लोन दो बिना कोलेटरल का। कोलेटरल होता है ना कि आप लोन लेने जाओगे ना,
तो आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना होता है कि हाँ अगर हम लोन नहीं देंगे तो आप इसको बेच के ये पैसे ले सकते हो, मेरे घर को बेच सकते हो, मेरे ज़मीन को बेच सकते हो। तो अब गरीब जो बंदे हैं, जो रेडी वाले हैं, जो स्ट्रीट वेंडर सब हैं, उनके पास तो कोलेटरल तो होगा नहीं। तो गवर्नमेंट बोला कि नहीं कोलेटरल मत दो, आप बिना कोलेटरल को दो। अभी एक न्यूज आई थी जिसको क्या बोला जाता है, जिसके कारण एनपीए जो है ना काफ़ी इंक्रीज हो गया, जिसको बोलते हैं गैर निष्पादिक परिसंपत्ति, ठीक है ना, एनपीए नॉन परफॉर्मेंस एसेट जो बैंक का है ना वो काफ़ी इंक्रीज हो गया। अब देखो ये होता क्या है, एनपीए सपोज करो अब बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, बैंक से लोन ले लिया 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए लोन लोगे तो उसको चुकाना भी होगा, लेकिन अब 90 दिन तक आप चुका नहीं पाओगे, जिस दिन से लिए हो उस दिन से उस पर इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया। तो 90 दिन तक अगर आप इंटरेस्ट ना पे करते हो, ना प्रिंसिपल पे करते हो, फर्स्ट डे से लेकर 90 डेज के बीच में, 90 दिन के बाद वो क्या होगा ना, वो एनपीए में काउंट होना लगेगा, गैर निष्पादित परिसंपत्ति में। मतलब क्या है कि बैंक क्या सोचेगा कि इस पैसा को आप मिलना मुझे वापस करना, जो लिया है लोन वापस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं एनपीए। बैंकिंग क्लियर, ठीक है। अब देखो सोशल एस्पेक्ट, देखो हम लोग क्या किए कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट देख लिए, उसमें 8 पहलू पढ़ लिए। 8 पहलू को अगर लिखोगे तो आपका लगभग दो मतलब 2.5 पेज इसमें खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सोशल एस्पेक्ट, सामाजिक पहलू को कैसे लिखते हैं, ऐसा आपको डायग्राम बनाओ कि एग्जामिनर को लग जाए देख कर कि अच्छा 4 पहलू को इसके अंदर डिस्कस किया है, ठीक है ना। हाँ ज़्यादा भी पहलू हो सकते हैं, लेकिन आपको टाइम कंजप्शन के हिसाब से देखो। तो पहला पहलू हम देखेंगे हेल्थ, उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद जेंडर। तो दोस्तों हेल्थ, एजुकेशन और जेंडर जो है ना, खासकर जो जेंडर का जो इम्पोर्टेंस है ना, सारे एक रिपोर्ट आया था जिसको बोलते हैं ऑक्सफैम रिपोर्ट, ठीक है ना, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा लिंक, उससे जाके देखो, वहां से डाटा उठाओ और ये तीनों में डाल दो, ठीक है ना। तो तीन आपका कवर हो जाएगा। अब देखो हेट्रेड मतलब क्या होता है, हेट्रेड मतलब देखोगे इसका मतलब होता है कि नफरत, ठीक है ना। नफरत मतलब क्या है कि देखो अब सबसे पहले कोविड जब आया था तो एक एक बैग एक सिचुएशन ऐसा है कि लगातार 2000-3000 के आसपास कोविड का जो स्प्रेड काफी फैला कोविड, ठीक है ना। तो उस समय एक न्यूज आया था कि एक जमाती जो थे, मुस्लिम में जो जमाती एक कंसेप्ट होता है, तो जमात वाले जो होते हैं जो वहाँ पर थे, तो उन लोगों ने क्या हुआ कि वहाँ पर बहुत सारे केसेस आया, ठीक है ना। तो पूरे इंडिया में एक ऐसा पहल बन गया, सब लोग सोचने लगे कि जो कोविड का स्प्रेड करने के पहले एक रिलीजन जो है, जो कोविड जो जमाती हैं, जो मुस्लिम हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो क्या हुआ ना कि एक तरह से जो एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के बीच में, मुसलमान और बाकी जो रिलीजन के बीच में क्या हुआ ना कि हेट्रेड पैदा होने लगा, ठीक है ना। जो सामाजिक अतत्व जो होते हैं, वो क्या करने लगे, एक दूसरे को गाली देने लगे, एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाना स्टार्ट कर दिया दोस्तों, ठीक है ना। और खासकर सबको भेजना भी, सबको भेजा भी गया कि तुम लोग अपने अपने जगह से, बहुत सारे ऐसे कुछ किया गया जिससे नफरत फैला जा सके, ठीक है ना। हेट्रेड मतलब किससे, जमाती का कोट कर देना आप एग्जाम्पल, डेट इज रॉन्ग, ऐसे जनरली करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो बीमारी है, बीमारी किसी को नहीं पता है किसको हो जाएगा किसको नहीं, ठीक है। अब देखो अब नेक्स्ट इशू था, देखो अब हम लोग चार यहाँ पर कर लिए हैं, हेल्थ हेल्थ कर लिया हम दोस्तों, उसके बाद एजुकेशन कर लिया, जेंडर कर लिया, हेट्रेड कर लिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपको पांचवा डालना है माइग्रेशन इशू, ठीक है ना, जिसके हिंदी में बोलते हैं प्लायन। तब तो देखोगे कि लॉकडाउन के बाद है ना यूपी और बिहार में प्लायन की जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई, काफ़ी जो आप देखोगे न्यूज़पेपर में देखोगे, टीवी चैनल में देखोगे, तो सारे पैदल ही निकल चलते थे बिहार और यूपी की तरफ, जिससे माइग्रेशन को लेकर है ना काफ़ी उन लोगों को प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारे लाइफ ख़त्म हो गए रास्ते में ही, बहुत प्रॉब्लम हुआ। लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया, डेट इज़ ऑल्सो गुड, उसको आप मेंशन करना, खासकर बिहार यूपी में। तो प्लान वन ऑफ द इशू था, एक मेजर चैलेंजेस था कि इनको इम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे, एक चैलेंजेस था कि वो मूवमेंट करेंगे तो कोविड स्प्रेड हो जाएगा, कोविड फैलेगा, इसके बारे में लिखना है। जब ये दोनों जब लिख दोगे ना, तो लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है, जिसको निष्कर्ष बोलते हैं। तो आंसर में आपको कंक्लूजन नहीं लिखना है, एक लाइन छोड़ के ये लिख देना है, वो आपको समझ जाएगा। तो कंक्लूजन में क्या करना है, कंक्लूजन में हमें ये लिखना है कि जो कोविड जब चाया मतलब कोविड जब आया, तो गवर्नमेंट इसके सोशियो इकोनॉमिक जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना, उससे बचने के लिए बहुत सारा स्टेप लाया, ठीक है। कौन कौन स्टेप, गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, मनरेगा में पैसे डालना, ठीक है ना, ये सब डाल दोगे, ऐसे ऐसे गवर्नमेंट ने किया कंक्लूजन में। ये भी डालना कि इकोनॉमिक में सबसे पॉजिटिव फैक्टर ये था, बताना मैं भूल गया हूँ कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट में जो बैंकिंग में है ना, बहुत
बहुत सारे बाहर से पैसे आए, जिसको फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं। फॉरेक्स रिजर्व मतलब क्या है ना कि बाहर के डॉलर इंडिया में है तो अभी डाल सकते हो। अब एक कंक्लूजन में डाल के लास्ट में सजेशन डाल देना। सजेशन में क्या लिखोगे कि जो अभी भी इम्पैक्ट जो है ना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, ठीक है ना। हाल ही में ऑक्सफैम का जो इंडेक्स जारी हुआ है उसमें इनइक्वालिटीज काफ़ी बढ़ गई है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ ऐसा काम करना चाहिए, कुछ ऐसा सजेशन, कुछ रोल नहीं प्ले करना चाहिए जैसे इनइक्वालिटीज को हम खत्म कर सके। तो ऐसे लिखोगे तो एक परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बढ़िया नंबर मिलेगा दोस्तों। तो आज का ये मॉडल आंसर है, फिर हम मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, अगले मॉडल आंसर के साथ। बताइएगा कैसा है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है। आपको चार्ट सुनना है और चार्ट को नोट करके वहाँ पर प्रेजेंट कर देना है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।